हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे द इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में। तो हम पढ़ते हैं ना कि INA कब बनी थी, 1945 में बनी थी, तो उसके बारे में आज हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले आइडिया है कि आइडिया जो था इंडियन नेशनल आर्मी बनाने का, वो किसके माइंड में आया। तो वो आया था रास बिहारी बोस जी के माइंड में। सो अब ये इंडियन थे रास बिहारी बोस, ये तो आपको पता ही है। तो ये जापान भाग गए थे, ही फ्लेड टू जापान इन 1915 में ये जापान भाग गए थे। वहाँ पे जाके ये जापानीज सिटीज़न बन गए थे विद द हेल्प ऑफ मोहन सिंह, यानी जो मोहन सिंह थे उनकी हेल्प से ही वहाँ पे जाके जापानीज सिटीज़न बन गए। अब वहाँ पे रहकर ये इंडिया को आज़ाद करवाना चाहते थे, तो वो कैसे होगा। वहाँ पे इन्होंने दिमाग लगाया कि हाँ, अब चलो हम एक इंडियन नेशनल आर्मी बना लेते हैं, फिर हम इंडिया पे अटैक करेंगे। नॉट इंडिया पे भी नहीं, ब्रिटिश इंडिया पे आप कह सकते हैं, ब्रिटिशर्स पे अटैक करेंगे। सो आइडिया, जब क्वेश्चन आता है कि INA का आइडिया किसका था, तो आइडिया था पूरा का पूरा रास बिहारी बोस का। अब इसमें एंट्री होती है सुभाष चंद्र बोस जी की। अब ये भी इंडिया से भाग गए, ठीक है, क्योंकि इंडिया से तो भागना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता था कि उस टाइम पर कंडीशन कैसी थी। सो ही एस्केप्ड फ्रॉम इंडिया इन जैन 1914 बर्लिन, मतलब ये भाग गए इंडिया से जनवरी 1941 में बर्लिन को, ठीक है। अब जब ये भाग गए तो उसके बाद वहाँ पे इनको और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। 1943 में इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी को ज्वाइन किया सिंगापुर में, ठीक है। बट धीरे धीरे क्या होता है, लीडरशिप की जब बात करें, रास बिहारी बोस जी ने अपनी लीडरशिप ट्रांसफ़र कर दी थी सुभाष चंद्र बोस जी को, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर दो चीज़ें थी। पहला ये कि आइडिया किसका था, रास बिहारी बोस जी का था। इसकी लीडरशिप किसके पास आ गई, सुभाष चंद्र बोस जी के पास आ गई, क्योंकि रास बिहारी बोस जी ने उन्हें लीडरशिप ट्रांसफ़र कर दी थी। अब जो ये आगे चलते हैं ना, ये हैं वो जो MCQs आते हैं ना इसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, वो हैं ये पॉइंट्स कि टू INA हेडक्वार्टर्स, कि जो इंडियन नेशनल आर्मी थी इसके दो हेडक्वार्टर्स थे, एक था रंगून, एक था सिंगापुर, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि ये बनी कहाँ पे थी, तो बनी ये सिंगापुर में थी, ठीक है, बनी है सिंगापुर में थी और हेडक्वार्टर्स इसके दो थे। फिर आता है थ्री फाइटिंग ब्रिगेड्स, फाइटिंग ब्रिगेड्स क्या होता है कि जो युद्ध करते हैं ना, तो उनमें कैसी कैसी ब्रिगेड्स थी, तो उनमें तीन नाम थे, तीन नाम दिए हुए थे ब्रिगेड्स को। गांधी जी के नाम पे थी एक ब्रिगेड, दूसरी आज़ाद जी के नाम पे, तीसरी नेहरू जी के नाम पे, ठीक है। फिर है एक्सक्लूसिव वुमेन फोर्स। अब कोई एक ऐसी फोर्स थी जो पूरी तरह से वुमेन फोर्स थी, उस फोर्स को, उस ब्रिगेड को क्या नाम दिया गया था, रानी झांसी ब्रिगेड, ठीक है। ये वाले कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें MCQs बनते हैं। उसके बाद थोड़ा सा आगे इसमें और रहता है, INA लॉन्च्ड अटैक, अटैक नहीं यहाँ पे अटैक होगा, INA लॉन्च्ड अटैक ऑन इंडिया एंड पेनिट्रेटेड इन टू द इंडियन टेरिटरी, ओके। अब इंडियन नेशनल आर्मी ने क्या किया, डिसाइड किया कि हाँ, अब क्योंकि ये बाहर बनी थी, सिंगापुर में बनी थी, तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम इंडिया पे अटैक करेंगे, पेनिट्रेट मतलब वहाँ पे घुस जाएंगे, ठीक है, और वहाँ से ब्रिटिशर्स को भगा देंगे। लेकिन एंड टाइम पे होता क्या है ना कि ड्यू टू ट्रीची, मतलब किसी की धोखाधड़ी की वजह से इनका ये प्लान कैंसिल हो जाता है, ठीक है। बट जो अंडेमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं, आपको पता है इंडिया के पास दो आइलैंड टेरिटरीज हैं, एक लक्षद्वीप है, एक अंडेमान एंड निकोबार है, ठीक है। फिर इनके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड्स हैं, तो अंडेमान एंड निकोबार पे इन्होंने अटैक कर लिया, उसको अपने कब्जे में कर लिया और उसका नाम रख दिया शहीद एंड स्वराज, मतलब अंडेमान का शहीद और निकोबार का स्वराज, ठीक है, लेटर सरेंडर्ड। बट बाद में आपको पता है ब्रिटिश आर्मी कितनी ज़्यादा स्ट्रांग थी, कितनी ज़्यादा एडवांस थी, तो बाद में इनको सरेंडर करना पड़ा था। उसके बाद आप देखते होंगे कि हम कोई ना कोई डे मनाते हैं, 1 जनवरी को, 31 जनवरी को, इस तरह से पूरे साल हम दिसंबर तक कोई ना कोई डे सेलिब्रेट करते हैं हर दिन। तो जो INA डे है, ये 12 नवंबर 1945 को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। फिर आता है मुस्लिम लीग ऑल्सो ज्वाइंड इट फॉर द कंट्री वाइड प्रोटेस्ट। अब मुस्लिम लीग ने भी INA को ज्वाइन किया था कंट्री वाइड प्रोटेस्ट करने के लिए, मतलब एक कह सकते हैं आप पूरे देश के लेवल पे, पूरे कंट्री के लेवल पे प्रोटेस्ट करना है, ठीक है, उसके लिए। क्योंकि देखिए, ब्रिटिशर्स छोड़ नहीं रहे थे, पहले हमने 1930 में डिसाइड किया था कि शायद हमें इंडिपेंडेंस मिल जाए, हमें 26 जनवरी 1930 का दिन भी डिसाइड किया था, बट वो हो नहीं पाया और 1930 से 1947 तक बात पहुँच गई थी, ठीक है। तो देखिए, ये सब हमने पढ़ा। इसके अलावा जो आप बुक्स पढ़ोगे ना, तो वहाँ पे आपको INA ट्रायल्स के बारे में पता चलेगा कि जो INA के ट्रायल्स होते थे वो कहाँ पे होते थे, रेड फोर्ट दिल्ली में होते थे। फिर PK सहगल थे, शहनवाज खान थे, वो कमांडर थे, बट मुझे लगता है कि वो यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डेप्थ में हो जाएगा और इतने डेप्थ में MCQs नहीं आते हैं, ठीक है। तो यहाँ के थ्रू आई थिंक आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो ही गई होगी, आई होप दैट।
आइडिया किसका था? सुभाष चंद्र बोस जी बाद में लीडरशिप उन्होंने ली। INA हेडक्वार्टर्स कहाँ थे? फाइटिंग ब्रिगेड्स कौन कौन सी थी? एक्सक्लूसिव वुमेन फोर्स कौन कौन सी थी? अंडमान निकोबार का नाम बदल के क्या रखा? INA डे कब मनाया जाता है? और मुस्लिम लीग ने भी इसमें ज्वाइन किया। तो ये सब कुछ पॉइंट्स थे, ठीक है, हमने डिस्कस कर लिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपको अच्छे से पता है क्या करना है, जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक एकदम से नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो को लाइक करें, वीडियो का लिंक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड दैट्स इट गाइस, सी यू सून।